अभी हम जो है ऑसिलोस्कोप के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इसे हम सीआरओ बोलते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसमें जो है दो एक्सिस होती है, ये स्क्रीन है, इसमें जो है ग्राफ बने हुए हैं और उसमें एक्स और वाई दो एक्सिस हैं। एक्स एक्सिस तो ये जो है हॉरिजेंटल एक्सिस कहलाती है, जिसको हम एक्स पोजीशन के द्वारा आगे पीछे कर सकते हैं। हमारा जो ट्रेस है वो बिंदु की आकृति में स्क्रीन पर आता है। एक्स पोजीशन के द्वारा हम इस बिंदु को आगे पीछे ले जा सकते हैं। ये आगे ले जाता हूँ, पीछे ले जाता हूँ, इससे एक्स 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 पोजीशन के द्वारा, और वाई पोजीशन के द्वारा मैं इस बिंदु को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, इस बिंदु को ऊपर या नीचे। अभी जो है ये बिंदु टाइम, यहाँ पर टाइम पर डिवीजन है, तो टाइम पर डिवीजन जो है अभी 0.2 सेकंड पर है, तो ये बिंदु यहाँ से लेके इस खाने तक आने में 0.2 सेकंड लेता है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 4 सेकंड लेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड लेगा, यहाँ से यहाँ तक 8 सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड, पूरा 1 सेकंड ले लेगा यहाँ से यहाँ तक। जब इस नॉब को मैं 0.1 सेकंड पर कर देता हूँ, 0.1 सेकंड पर, तब बिंदु जो है यहाँ से यहाँ तक आने में 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, ऐसे करके जो है अब यहाँ से यहाँ तक आने में हमारी बिंदु 1 सेकंड का समय ले रही है। जबकि जब ये 0.2 पर था हमारा ये नॉब, तब बिंदु यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकंड का समय ले रही थी। तो हम जब इस नॉब को बढ़ाते हैं, समय कम करते जाते हैं, तो हम देखते हैं कि बिंदु जो है वो तेज़ी से चलने लग जाती है और फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है, और एक्स पोजीशन के द्वारा हम इस ट्रेस को आगे पीछे कर सकते हैं। एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन का जो स्विच है इसके द्वारा हम ट्रेस को ऊपर और नीचे ले जा सकते हैं। तो हमें फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए तो टाइम पर डिवीजन के नॉब की आवश्यकता पड़ती है, और कितना वोल्टेज है हमारा उसके लिए हमें वोल्टेज पर डिवीजन इस नॉब की आवश्यकता पड़ती है। वोल्टेज पर डिवीजन, वोल्टेज या मिलीवोल्ट पर डिवीजन। अभी हम जो है इसको साइन वेव, हम इसको एसी सप्लाई देते हैं, और एसी सप्लाई देने के बाद में हम देखते हैं कि हमारा अभी ये जो है 5 मिली सेकंड पे, हमने अभी टाइम पर डिवीजन वाली नॉब को 5 मिली सेकंड पर सेट किया हुआ है, तो हमारी एक साइकिल कंप्लीट होने में, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होने में 1, 2, 3, 4 खाने लगते हैं। एक साइकिल कंप्लीट होने में 4 खाने लगते हैं हमारे। हम इसको अगर यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 1, 2, 3, 4 खाने लगे, तो 4 खानों को 5 मिली सेकंड से गुणा करेंगे तो 20 मिली सेकंड हमारी एक साइकिल को दूरी तय करने में 20 मिली सेकंड का समय लगा, और 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं, तो 1000 मिली सेकंड में हम 20 मिली सेकंड का भाग लगाएं तो 1 सेकंड में ऐसी 50 साइकिल हो जाएंगी। 1000 में 20 का भाग लगाएंगे तो 50, तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज़ जो है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो 5 मिली सेकंड का सिलेक्शन किया, तो 4 खानों में ये दूरी तय कर रही है। यदि मैं 10 मिली सेकंड का समय कर लूँ तो 2 खानों में ही साइकिल पूरी हो जाएगी हमारी 20 मिली सेकंड के लिए, तब ये जो है 2 खानों में हमारी जो है तरंग पूरी हो गई है, हमने समय
10 मिली सेकेंड कर दिया। यदि मैं ये समय 2 मिली सेकेंड कर दूँ तो 20 मिली सेकेंड के लिए 10 खानों की आवश्यकता होगी। तो अब जो है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 खानों में जाके हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से हम फ्रिक्वेंसी ज्ञात करते हैं। वोल्टेज अभी जो है 10 वोल्ट, ये जो नॉब है अभी वोल्टेज वाली जिसमें यह निशान लगा हुआ है, ये तो ये नॉब जो है अभी 10 वोल्ट पर है। तो 10 वोल्ट के अनुसार जो है एक खाना और ये दो खाने, दो खाने से कम है ये, तो हम ये माने कि ये लगभग 20 वोल्ट या उससे थोड़ा कम वोल्टेज है। और पीक टू पीक अगर हम बोलेंगे तो पीक टू पीक 40 वोल्ट कहलाएगा ये। यदि मैं इसको 5 वोल्ट में ले लेता हूँ तो एक खाने का मान 5 वोल्ट, दो खाने का मान 10 वोल्ट, तीन खाने का मान 15 वोल्ट और चार खाने का मान 20 वोल्ट, क्योंकि चार खाने पूरे नहीं किए इसने। तो ये जो है एक खाने का मान 5 वोल्ट है, तो इस एक खाने के फिर 5 हिस्से करे हुए हैं यहाँ पर। तो ये जो है 1, 2, 3, 4 सब डिवीजन और पार कर रही है, तो 4 वोल्ट और हो गए। तो 5, 5, 10, 5, 15 और 4 19 वोल्ट जो है वो अभी ये आ रहे हैं इसके वोल्टेज। तो इस तरह से जो है हम वोल्टेज और टाइम के द्वारा फ्रिक्वेंसी देख सकते हैं कि कितने वोल्टेज की है। अब जो है हमारे पर यहाँ एक कैलिब्रेशन करने के लिए भी दिया हुआ है, 2 वोल्ट की पीक निकलेगी यहाँ से। तो यदि हम हमारी ये ऑसिलोस्कोप की प्रोब यहाँ लगा देते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो 10 वोल्ट पर है इसे मैं 10 वोल्ट की बजाय 5 वोल्ट पर लाऊं, 5 की बजाय 2 वोल्ट पर ले आऊं। तो अब ये जो है 2 वोल्ट एक खाने में आ गया, ये इसका मतलब 2 वोल्टेज यहाँ से आउटपुट मिल रहा है हमारे को 2 वोल्टेज। अब मैं इसका समय बढ़ाता हूँ, तो यहाँ से हमने इसका समय जो है अभी एक मिली सेकेंड कर दिया, फिर इसको बढ़ा के 0.5 कर दिया और फिर बढ़ा के 0.2। तो अभी मैंने 0.2 मिली सेकेंड पर इसको सेलेक्ट किया है। तो हमारी ये साइकिल जो है इस साइकिल को कंप्लीट करने में अभी कितना समय लग रहा है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इसको तय करने में 5 खाने लग रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 5 को हम 0.2 से गुणा करेंगे तो 5 × 10 1 मिली सेकेंड का समय लगा। तो 1 मिली सेकेंड का समय लगा तो इसकी साइकिल जो है 1 सेकेंड में 1000 हो गई। तो ये 1 किलो हर्ट्ज जो है कि फ्रिक्वेंसी, तो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 1000 जो है 1.003 किलो हर्ट्ज, इसकी इकाई अभी किलो हर्ट्ज बता रही है ये। तो ये 1 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जो है वो यहाँ पर आ रही है और इसको हम स्क्वायर वेव बोलते हैं, इसे हम स्क्वायर वेव बोलते हैं। तो इस तरह से हम जो है ऑसिलोस्कोप के द्वारा हमारी तरंग की आकृति भी देख सकते हैं। और ये जो है सब कुछ जो है एक बिंदु के ऊपर डिपेंड करता है। इस बिंदु को हम जो है हमारे इस स्केल पर कहीं भी ले जा सकते हैं। 2 मैग्नेट इधर होते हैं, 2 मैग्नेट इधर होते हैं, तो उनके कारण हम बिंदु को एक्स और वाई दोनों एक्सिस में विक्षेप करके कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें 2 चैनल हैं तो हम 2 तरह की तरंगें देख सकते हैं एक साथ एट ए टाइम, और दोनों को साथ देखने के लिए ऐड और ड्यूल का हम सिलेक्शन करके देख सकते हैं। तो इसे हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO कहते हैं।